हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर और आज हम लोग बात करने वाले सेक्शन 191 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 191 बहुत ही ज्यादा फेमस सेक्शन नहीं है, बहुत ही ज्यादा हर जगह नहीं यूज होता है, मतलब बहुत ही कम लोग को इस सेक्शन के बारे में पता होता है क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं रहता है। मतलब जैसे बाकी सेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड, ये सब जैसे ज्यादा ट्रेंड में चलते हैं, ज्यादा फेमस सेक्शन है, वैसे 191 उतना फेमस सेक्शन नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम यूज होता है एंड बहुत कम एग्जाम्स में भी आता है एंड बहुत कम प्रैक्टिकल भी यूज होता है इसका, ठीक है। तो इसलिए इसे एग्जाम में चांसेस कम है क्वेश्चन होने के लिए, बट फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन। ओके, व्हाट एवर जो भी हो, हम लोग सेक्शन 191 को मतलब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे ताकि हम लोग चैप्टर को, इस पॉइंट को समझ सके क्या है, टॉपिक क्या है, एंड हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि अगर कभी किसी के भी एग्जाम में, चाहे किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे एग्जाम में आता है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं और क्या इसके अंदर टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ओके, सबसे पहले सेक्शन 191 है क्या? पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी शेयर्स, जो भी। सिंपल सा बात बोला, अगर आपके पास बेयर एक्ट तो बेयर एक्ट यूज कर लीजिए, अगर नहीं है तो एमसीए का ई बुक यूज कर सकते हैं। ebook.mca.gov.in उसका वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाकर उसको डाउनलोड मतलब ओपन कर सकते हैं, ई बुक देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का मैट है, बुक है, जो भी है, आपके पास सब कुछ कॉन्टेंट सेम होगा बुक, क्योंकि लॉ किसी का खुद का नहीं है, ठीक है, लॉ सबका है और लॉ एक ही हर कोई पढ़ाता है। ओके, तो इस चीज के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले थे, यहाँ पे ग्राउंड हो गए, हम लोग इस चीज के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर कौन सी रीजन है, क्या कारण है कि एक डायरेक्टर को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, अपनी कंपनी को छोड़ना पड़ सकता है। अगर बेसिक एक बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप का चीज ना दो जगह पढ़ेंगे, एक सेक्शन 202 आएगा और एक सेक्शन 191 आएगा। सेक्शन जो 202 आता है वो बेसिकली होता है सिर्फ तीन लोगों के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, बट जो सेक्शन 191 है वो होता है सभी के लिए, दैट इज फॉर ऑल डायरेक्टर, ये सभी के लिए है। ओके, अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि सर एक पॉइंट आ गया भैया कि देखिए एक एमडी है जिसको कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, एक एमडी खुद कंपनी से निकल रहा है, तो इस एमडी को सेक्शन 191 के अंदर देंगे या 202 के अंदर देंगे? ओके, देखो एमडी को अगर कंपनसेशन देना है ना, इन दैट केस इसके ऊपर सेक्शन 202 भी एप्लीकेबल है, तो इसका जो कंपनसेशन होगा वो 202 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इसको एक्सीड नहीं कर सकता है एनी कंडीशन। आप 191 के अकॉर्डिंग दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन दैट केस इसको एक्सीड नहीं कर सकते हो, या फिर आप 202 के अकॉर्डिंग दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या वही चीज होल टाइम डायरेक्टर के लिए भी, अगर होल टाइम डायरेक्टर ये एंड चाहता है कि हम 191 के थ्रू लेना चाहते हैं, ले सकता है, बट इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है, ये सरहद हो जाएगी और इसको क्रॉस नहीं कर सकता एट एनी कॉस्ट। क्लियर कि ये हम लोग समझ के सेक्शन 191 का एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? सभी डायरेक्टर के ऊपर है, मतलब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, स्मॉल चार्टर्ड डायरेक्टर हो सकता है, वुमेन डायरेक्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी टाइप का डायरेक्टर हो सकता है उसके लिए। क्योंकि बेसिकली एक डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते समय एक टेन्योर फिक्स कर देते हैं कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, हम लोग आपको 5 साल के लिए अपॉइंट करें या फिर आपको 3 साल के लिए अपॉइंट करें, अब 2 साल के बाद बोले कि आप जाइए, हमको आपका जरूरत नहीं है, आप जाइए, तो अब जो 2 साल के बाद उसको भगा रहे बेचारे को, तो उसका ऑफकोर्स मॉनेटरी लॉस हो रहा है, मतलब वो 2 साल और काम करता ना, 1-2 साल जो भी और टेन्योर था, अगर 1 साल और था 3 साल के लिए अपॉइंट किए थे, तो 1 साल तो और सैलरी में से कुछ कमाता, कुछ तो इनकम करता, तो वो तो उसका पैसा का लॉस हो गया, इसीलिए उसको पैसा से कंपनसेशन करना पड़ेगा, इसीलिए उसको हमको कंपनसेशन देना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया कि क्यों कंपनसेशन देते हैं ना। अब बात करते हैं कि आखिर ग्राउंड्स क्या है, कब कंपनसेशन देते हैं। तो देखो ग्राउंड्स के बारे में बात करें तो सेक्शन 191 के सबसेक्शन 1 के सब क्लॉज ए के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी क्लॉज ए के अंदर लिखा हुआ है क्या क्या रीजन है। अगर मान लो आपने पूरा या फिर कोई एक अंडरटेकिंग भेज दिया, ओके, अंडरटेकिंग भेज दिया, अब अंडरटेकिंग क्या, ये एक अलग सेक्शन आता है हमारा, एक सेकंड, ओके, सो अब देख लेते हैं एक बार अंडरटेकिंग क्या होता है। ये अंडरटेकिंग पॉइंट आ रहा है हमारे पास कि अगर कंपनी ने कोई होल या फिर एक पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग अगर सेल कर दिया तो क्या होने वाला है, नहीं चल रहा। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग ये अंडरटेकिंग पावर ऑफ बोर्ड वाला जो सेक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, इसके अंदर अंडरटेकिंग वर्ड आता है, ये आप सेक्शन देख सकते हो, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा, आपके पास बुक है तो आप उसमें देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, सो जो भी है उसको हटा देना। इसके अंदर क्या बोला, अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, अंडरटेकिंग मींस इन विच जिसमें आपकी कंपनी ने इन्वेस्ट किया 20% ऑफ नेटवर्थ, मतलब मोर देन 20% ऑफ नेटवर्थ, वर्ड नेटवर्थ है, हर जगह पेड अप शेयर कैपिटल नहीं घुसाना है, 20% ऑफ इट्स नेटवर्थ जहाँ पे भी इन्वेस्ट आपने किया है एज पर प्रीवियस अपने ऑडिटेड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके हिसाब से, जहाँ पे भी 20% ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर रखा हुआ है या फिर जहाँ पे भी आपको 20% से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है, मोर देन 20% प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको बोल देंगे हम लोग यहाँ पे अंडरटेकिंग। ओके, अब इस अंडरटेकिंग को अगर आप सेल करना चाहते हो तो फिर क्या होने वाला है, अगर इस अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हैं हम लोग जहाँ पे हमारा नेटवर्थ का 20% ऑलरेडी लगा हुआ है या फिर प्रॉफिट हमको 20% से ज्यादा देता है, इन दैट केस अब तो
इस जगह से तो डायरेक्टर वैकेट कर सकता है ना, इस जगह से तो बेचारा जो डायरेक्टर होगा उसको निकाला जा सकता है इस किसी भी इस रीजन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ इस ट्रांसफर की वजह से उस डायरेक्टर को निकाला गया। या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग ऑल, या फिर कोई भी शेयर्स ट्रांसफर कर दे, कुछ शेयर ट्रांसफर करें या फिर सारे शेयर ट्रांसफर करें, कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइक ये ओपन ऑफर हो सकता है, ओपन ऑफर हो सकता है, जनरल जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डिंग ये जनरल पर्सन को देंगे, ओपन ऑफर टाइप हो सकता है। ओके या फिर हो सकता है किसी कंपनी ने ऑफर दिया हो आपको कि हम आपके 51% ज्यादा शेयर अक्वायर करना चाहते हैं, आपको हम सब्सिडरी बनाना चाहते हैं। ओके वो कंपनी होल्डिंग बन जाएगी। अब मेरी जब कोई कंपनी होल्डिंग बन गई और मैं उस कंपनी का सब्सिडरी बन गया, तो अब तो मतलब 51% से ज्यादा होल्ड इसने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। अब तो ये मेरे पे कंट्रोल कर सकती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोल इसने बोला मिस्टर पी को भगा दो, कंपनी से निकालो। तो अब जब मिस्टर पी को निकाला जाएगा ना, तो बोलेगा भाई देखो इस ग्राउंड में हम बच रहे हैं, हमको कंपनसेशन चाहिए। कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी ने जिसने 1/3 वोटिंग पावर को पार लिया, मतलब एक्वायर कर लिया, 1/3 किसे मतलब 33% होता है 1/3 मतलब। ओके अब डिवाइड करके देख लेना परसेंटेज, तो 33% आता है। 1/3 अगर किसी ने पावर एक्वायर कर लिया, वोटिंग पावर एक्वायर कर लिया, इन दैट केस उसके पास भी अब काफी पावर हो जाएगा, उसके पास भी पावर है किसी को हटाने का, राइट। इन दैट केस इस अगर किसी को ये इस रीजन से हटाया जा रहा है ना, तो भी उस डायरेक्टर को, किसी डायरेक्टर को इस इंडिविजुअल ने बोला कि इस डायरेक्टर को हटाओ क्योंकि मेरे पास ज्यादा वोटिंग पावर है, हम इसको हटाना चाहते हैं, तो जब इसको हटाएंगे ना तो उसको कंपनसेशन देंगे। कोई कंडीशनल ऑफर है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनल ऑफर हमको ये कंडीशनल ऑफर ही दिया गया कि आपको ये अभी ये डायरेक्टर को निकालेंगे, ये काम करेंगे, कुछ और कंडीशन होगा एंड उस कंडीशन का एक छोटा सा पार्ट होगा आप डायरेक्टर को निकालने का, जस्ट बिकॉज ऑफ इस कंडीशनल ऑफर ये डायरेक्टर निकल रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्टर को अगर आप निकाल रहे हो तो इसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ग्राउंड्स क्लियर हो गए आई थिंक। ग्राउंड क्या क्या थे भैया? ग्राउंड यही थे कि हमने अंडरटेकिंग को सेल कर दिया, या फिर हमने शेयर वगैरह को सेल किया ओपन ऑफर के थ्रू हो सकता है, कोई हमको सब्सिडरी बना ले और होल्डिंग कंपनी बन जाए, हमारी पेरेंट कंपनी बन गई, या फिर हो सकता है 33% किसी ने होल्ड कर लिया। ओके नेक्स्ट हमने एक कंडीशनल ऑफर का भी पॉइंट देख लिया कि कंडीशनल ऑफर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और इस ग्राउंड के ऊपर आपको कंपनसेशन, आपका जो भी डायरेक्टर निकल रहा है उस डायरेक्टर को कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट हु विल कंपनसेट? अब कंपनसेट कौन करेगा, सवाल ये आता है कि देखो कंपनसेशन कौन दे रहा है। पहले तो ये मेरी कंपनी है एंड इस कंपनी का ये मेरा वाला डायरेक्टर है, इसको निकाल रहा है, तो निकाल कौन रहा है? मेरी कंपनी निकाल रहे, तो कंपनसेशन देना किसको चाहिए? मेरी कंपनी को देना चाहिए। तो इसको कंपनी, मेरी कंपनी दे सकती है। अगर मेरी कंपनी कंपनसेशन नहीं देना चाहती है, तो जिस जो कंपनी हमको सब्सिडरी बना रही है, मतलब मेरी होल्डिंग कंपनी, वो भी दे सकती है इसको कंपनसेशन। जिस इंडिविजुअल ने 33% होल्ड कर रखा है वो भी दे सकता है कंपनसेशन। तो ये कंपनसेशन कोई भी दे सकता है, ओके किसी को भी देने का पावर है, जो भी जिसका भी मन करे दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडीशन क्या है, आप कौन कौन से कंडीशंस को कंप्लाई करोगे आप इसको कंपनसेशन देने के लिए। देखो कंडीशन के बारे में बात करें ना, तो आप पहले तो डिस्क्लोजर करोगे, खैर वो तो हर जगह होता है, हर चीज का डिस्क्लोजर होता है। इसके अलावा ओआर इन जीएम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको डायरेक्ट इस डायरेक्टर को मतलब निकालना है और इसको कंपनसेशन देना है, तो हमको ओआर इन जीएम पास करना होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना पड़ेगा, 50% वोट इन फेवर होना चाहिए, मोर देन 50% वोट इन फेवर आना चाहिए। ओके तो ओआर इन जीएम पास करेंगे एंड उसके बाद इसको हम कंपनसेशन दे सकते हैं। अगर किसी केस के अगर किसी रीजन की वजह से हम लोग का ओआर इन जीएम पास नहीं होता, एंड एडजॉइंट जो ईजीएम होगा इसके अंदर भी हमारा ये पास नहीं हो पाता, मतलब ये रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, मान लो ओआर इन जीएम हुआ, एडजॉइन हो गया मीटिंग, एडजॉइन वाले में ही पास नहीं हो पाता, इन दैट केस फिर इसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, या फिर अगर ओआर ही पास नहीं हो पाता तो भी इसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टर फिर कुछ नहीं पा सकता है, कोई कंपनसेशन इसको नहीं मिलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट एक सबसेक्शन 4 आता है, आई थिंक 4 या 5 है आपका। अगर कोई एक्सेस अमाउंट, मान लो ये डायरेक्टर पहले से ही चालू था, देखा कि यार ऐसा कुछ हो रहा है कंपनी में, मेरा तो पैसा जाएगा डूबेगा, इस डायरेक्टर ने पहले ही ढेर सारा पैसा एक्वायर करके बैठ लिया है, ओके पहले ही ढेर सारा पैसा ये लेके बैठा हुआ है, इन दैट केस जब इसको निकाला जाएगा ना, तो बोला जाएगा कि जो आप एक्सेस पैसा रखे हो ना, वो आप ट्रस्ट के रूप में होल्ड करोगे कंपनी के बिहाफ में, ओके एंड अगर कोई भी कॉन्ट्रावेशन होता है तो 1 लाख रुपए तक का कुछ फाइन वगैरह है, पेनल्टी वगैरह जो भी लग रहा है आपके ऊपर, ठीक है। कॉन्ट्रावेशन के लिए ये पॉइंट लाई देते हैं, कॉन्ट्रावेशन का तो हर किसी को पता है और कभी एग्जाम में नहीं आता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एंड या फिर ये पॉइंट आ सकते हैं ओ आर इन जीएम वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कि कौन से कंप्लायंस करने, या फिर कंपनी ने ओ आर इन जीएम पास नहीं कर पाया तो क्या फिर भी दे सकती है, या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वहां से फ्रेम हो सकता है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर है, उसने कंपनसेशन क्लेम किया एज पर सेक्शन 191, ओके
एंड उसका जो कंपनसेशन अमाउंट है वो 202 को एक्सीड कर रहा है, तो क्या वो मिल सकता है उसको? तो आप ये सोचो कि भाई 191 तो एक्सीड अलाउ कर रहा है तो फिर दे देते हैं, नहीं दे सकते क्योंकि 202 अलाउ नहीं कर रहा है, और 202 सिर्फ 3 लोग के लिए, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, एंड उनके उसके अलावा और किसी के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। डायरेक्टर वर्ड यूज किया गया मतलब इन दोनों के, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, इनके भी एप्लीकेबल के ऊपर एप्लीकेबल है, एंड इसके अलावा बाकी जितने डायरेक्टर है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। क्लियर? तो ये सेक्शन हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके आगे इस सेक्शन के अंदर और कुछ डिस्कशन नहीं बचता है। इसके बाद का जो सेक्शन होने वाला है वो हमारा 202 भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जस्ट अपलोड होना चाहिए। मैंने बोला वो तो हुआ है कि अपलोड कर देने को, बट देखते हैं आपका अपलोड होता है जो भी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए कि क्या समझ में आया और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं, जो भी आपका कमेंट करना है कर लो। मेरे से कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, चैनल का अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा। एंड वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए आगे मत जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सेक्शन वाइज वीडियो बनाते हैं, शेयर मार्केट के वीडियोज बनाते हैं, शेयर मार्केट की बहुत सारे ट्रेडिंग टिप्स मिलते हैं, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है उसके भी वीडियोज मिलते हैं आपको, और इसके अलावा कंपनी जाकर सारे सेक्शन के वीडियो सेक्शन वाइज अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बंद कर दो।